कुछ था नहीं। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे बताए थे एक बार फॉर्मूला देख लेना कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स क्या बोलते थे, एक्स टू द पावर एन रहने दो यहाँ पे, क्योंकि एक्स टू द पावर वन रहेगा तो भी सिंपल, एन डीएक्स इसका होता था एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी, जहां पे क्या होना चाहिए एन नॉट इक्वल टू माइनस वन, जब माइनस वन होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा वो केस में, उसके लिए लॉग एक्स हो जाता है, तो इसीलिए व्हेन एक में एन इज इक्वल टू वन माइनस वन, सॉरी जब माइनस वन होगा तो इसी के बाद बता रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एल एन लेन ऑफ मॉड मॉड ऑफ एक्स एक्स प्लस सी, ठीक है, सेकेंड थर्ड इसी के पैरेलल में बता रहा हूँ, ध्यान दे, इसी के पैरेलल में बता रहा हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट का ए इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए लीनियर फॉर्म होना चाहिए, एन डी एक्स दिस इज इक्वल टू बताओ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन, स्पेस नहीं बचा है, चलो एक एक बताऊंगा, इसी में इसका जनरल फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और यहाँ पे जो कॉफिशियंट होगा वन बाई क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, अब प्लस सी ये क्या है ओनली कॉफिशियंट ऑफ एक्स से डिवाइड हो जाएगा, कॉफिशियंट ऑफ एक्स, और ये मस्ट भी क्या होना चाहिए लीनियर होना चाहिए, मीन्स एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, ये क्या है ये लीनियर है, वाई इज इक्वल टू और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू ओनली ए एक्स प्लस बी, ये भी क्या है लीनियर फॉर्म होना चाहिए, ये ध्यान ध्यान में रखना, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होगा तो कभी भी ऐसे नहीं होगा, मस्ट बी लीनियर, ठीक है, मस्ट बी लीनियर, देखो अभी यहां समझा देता हूँ एक मिनट के लिए, मस्ट बी लीनियर मीन्स ए एक्स प्लस बी, सपोज तुम ये लिए ए एक्स प्लस एक के लिए समझाता हूँ, बाकी के लिए सिमिलरली याद रखना है, अभी अभी के लिए देखो एक के लिए समझा रहा हूँ, ट्राई करना समझने का, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन का इंटीग्रेशन करना है, देखो ये लीनियर होना चाहिए और ये हम लोग को फॉर्मूला पता है कि सिंपली एक्स डी एक्स एक्स टू द पावर एन डी एक्स रहेगा तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन और प्लस सी होता है, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो तो याद करना ही है, अब यूजिंग इसमें सब्स्टिट्यूशन, अब ये यूज करेंगे तो क्या करना है ट्राई करेंगे कि स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उसके फॉर्म में रिड्यूस कर दिया जाए, मीन्स एक्स टू द पावर एन, इट मीन्स ये कैपिटल क्या होना चाहिए कैपिटल एक्स ले आओ और टी एज्यूम कर लो, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ए एक्स प्लस बी के जगह पे क्या होना चाहिए टी रहता तो क्या होता इंटीग्रेट कर पाते, तो उसको एज्यूम कर लेते हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सपोज टी एज्यूम कर लिए, अब क्या करना है कि जब भी सब्स्टिट्यूशन वगैरह यूज किया जाता है इंटीग्रेशन में देन डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, हाँ सर इंटीग्रेशन केवल या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस या फिर केवल लीनियर लीनियर अलजेब्रिक नहीं नहीं पॉलिनोमियल्स के लिए ऐसा काम होता है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो बहुत सारे अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सारे के लिए यूज किया जाता है, एक्सपोनेंशियली एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन तो सबके लिए यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा ये माइंड एक बात इसमें फिक्स रखना माइंड में कि सभी फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि डिफरेंशिएशन सारे फंक्शन के लिए, जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसका क्या हो जाएगा
डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, बट सारे एक्सप्रेशन के लिए इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। और सर सब्स्टिट्यूशन मेथड हर जगह पॉसिबल है? नहीं नहीं वो तो रिक्वायर्ड होगा, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो वो देखो सब्स्टिट्यूशन यूज करके क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड जो बहुत सारे हैं टाइप्स जो फॉर्मूला बता दिया जाएगा तो क्वेश्चंस देख करके तुमको उसके फॉर्मूला को ध्यान में रखना है कि किस फॉर्मूले में जा सकता है, अगर वो हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन यूज किया जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन का यूज क्या करते हैं कि कोई भी इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेंड दिया हुआ है जो फंक्शन को इंटीग्रेशन करना है तो क्या वो रिड्यूस हो रहा है कि नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रिड्यूस होगा तो उसको बना ही नहीं सकते हो, समझ रहा? कोई भी फंक्शन जैसे इसका हुआ है इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, इस तरह से रहेगा तो भले कोई भी प्रोसेस से अप्रोक्सीमेट बता दिया जाए बट इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा कुछ फॉर्म ही नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अब ट्राई करेंगे कि इसको यूज करके इसके फॉर्म में ले जाना है। ठीक है, तो x प्लस बी इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लिए, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x और t भी डिफरेंशिएट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे a हो गया, अब dx y dx 1 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से लिखोगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, अब y क्या हो जाएगा a हो जाएगा। जस्ट उसको क्या किए हैं सिंप्लीफाई किए हैं, आई बात समझ में? यस सर, ये हो जाएगा सर, हो गया। हाँ हो गया ना, अब क्या करोगे कि dx को सब्स्टिट्यूट करोगे और यहाँ इस वाले को सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो ट्राई करोगे तो समझ में आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में t टू द पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा और dx को देखो t आ गया तो dt होना चाहिए, dt y क्या हो गया a हो गया। अब इसको लिख सकते हो क्या 1 बाई ए इंटीग्रेशन टी टू द पावर एन डी टी, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो गया 1 बाई ए टी टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब यहाँ पे टी का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो 1 बाई ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। तो ऑलवेज जो कोफिशियंट रहेगा उससे डिवाइड करना है, डिफ्रेंशिएशन में कोफिशियंट ऑफ एक्स जो आता था उससे क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे तुमको ऑलवेज क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। राइट, समझ में आ गया ये जो बताए हैं वो, सबको समझ में आया ये वाला प्रॉब्लम? सर अगर लीनियर नहीं रहा सर तो तब पर भी तो हम लोग इसको रिड्यूस तो कर सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, अगर इस तरह से फॉर्म लीनियर ही होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू द पावर एन और यहाँ पे डी एक्स रहता है। ठीक है, अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को क्या अब टी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो एक्स डी एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा टू, डिफ्रेंशिएट करो अच्छे से तो समझ में नहीं आएगा नाइन्थ रो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो टू ए एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अब बाई टू एक्स। अब ध्यान दो इसको अगर लिखना चाहोगे तो ये टी टू द पावर तो एन हो गया और जो डी एक्स का वैल्यू रखोगे वो डी टी बाई क्या हो जाएगा टू एक्स आ जाएगा। तो वन बाई टू टी टू द पावर एन डी टी और ये एक्स, अब एक्स का वैल्यू क्या रखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस ही नहीं हो रहा है, आई बात समझ में? इसको सॉल्व तो अभी कर नहीं सकते हो, समझ में आया? स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस नहीं हो रहा है सर। यस सर, ठीक है, एक्स आ गया। हाँ बोलो सर, अभी जो इक्वेशन है सॉरी इसमें जो स्टार्टिंग में इंटीग्रल दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस b, अगर इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं dax स्क्वायर प्लस b बाय dx स्क्वायर प्लस b तब हो सकता है? नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, कहां से होगा बताओ करके देख लो तो सर रिड्यूस हो सकता है, ट्राई कर लो तुम।
नहीं बनेगा। आप एक बार फिर से ये बता सकते हैं कि क्यों सर हर फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है पर इंटीग्रेट नहीं? देखो कुछ इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्म है, ठीक है, एकदम फाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म रहेगा उसमें। अगर अभी उतना लेवल पे मत जाओ, अभी इतना ही याद रखो, नाइन्थ में ही हो ना, टेंथ में तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, अभी उतना नहीं जाना है। बस ये बात ध्यान रखना कि सारे फंक्शन का या सारे एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, कुछ पर्टिकुलर फॉर्म ही रहेंगे उसी का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, या उस पर्टिकुलर फॉर्म में अगर रिड्यूस कर पा रहे हो, मीन्स सब्स्टिट्यूशन से रिड्यूस कर पा रहे हो तब भी पॉसिबल है, अगर नहीं रिड्यूस हो रहा है तो नहीं होगा इंटीग्रेशन पॉसिबल उसका, ठीक है। सपोज अगर दे दे 1/1 x^5 dx, अगर इसका इंटीग्रेशन पूछेगा तो कभी पॉसिबल ही नहीं। इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 x x + x^3 ही दे दिया गया तो इसका पॉसिबल dx, इसका पॉसिबल नहीं है, समझ रहे। तो इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आ जा रहा है तो पॉसिबल है, नहीं तो क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे सर ये सब जानना ही नहीं है। हाँ तो ये लिखो ही सर, वो वाला मेथड से एक आंसर आया, क्या आया सर, ax² + b^n+1। अरे बदमाश, नहीं आएगा, नहीं आएगा इंटीग्रेशन, नहीं आएगा। पॉसिबल है इसका बट वैसे कैसे आ जाएगा, बताओ क्या आया आंसर? ax² + b (n+1) अरे नहीं आएगा, (n+1)(ax) नहीं होगा, ठीक है। अब जो बताएं उसी को ध्यान रखना, एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखेंगे, तुमको तुमसे डिस्कस करते हैं बाद में, अभी पढ़ाने को पढ़ाने दो, सबका टाइम फिल करेगा, लास्ट में तुम रुक जाना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ध्यान रखना उसको, एक बताएं फर्स्ट में बताएं कि 1/ फॉर्मूला ध्यान रखना, बार बार इसलिए बता रहा हूं, x^(n dx) इंटीग्रेशन इसका x^(n+1)/(n+1)c, इसी के पैरेलली बता रहा हूं, इंटीग्रेशन ax + b^(n dx) इज इक्वल टू 1/a, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर देना है, ax + b^(n+1)/(n+1)c, ठीक है। सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, दिस इज इक्वल टू क्या बताए हैं, log x + c ऐड कर देना है, अब यहाँ पे 1/ax + b dx लीनियर फॉर्म में ही है, मीन्स x रहे या उसी के लीनियर फॉर्म में रहे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1/a से डिवाइड कर देंगे, ln |ax + b, मीन्स log ही है प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ e^(x dx), दिस इज इक्वल टू e^ क्या होता था बोलो, e^(x+c) x + c, यहाँ पे देखना इंटीग्रेशन e^(ax+b) इज इक्वल टू 1/a e^(ax+b+c, तो पैरेलली क्या करना है, याद रखना है, जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा ही नहीं, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, इसीलिए डायरेक्टली बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फोर नंबर a^(x dx), इसका इंटीग्रेशन क्या बताए थे बोलो सर, a^(x)/log a + c log a प्लस सी, a^(x)/log a + c, ठीक है। अब इसका पैरेलली अगर लिखोगे a^(px+q) कर दो dx, अब बताओ क्या होगा, यहाँ पे देखो बेस आ जाता है, जो रहता है वो डिवाइड में बेस ही आता है, ये वाला ये आ गया,
तो 1/p कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, ए टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई लॉग ए प्लस सी, समझ में आया, कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं सिंपली। इसको बता दूं क्या, सब्स्टिट्यूशन से बता दूं? चलो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, चार नंबर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए टू द पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन। इसको अगर बनाओगे तो क्या लिखोगे, देखो इंटीग्रेशन e टू द पावर log, यहाँ पे बेस में e रहेगा और a टू द पावर x, तो x क्या हो जाएगा, नंबर का क्या है, इंडेक्स है, तो नंबर का इंडेक्स यहाँ पे, तो x में मल्टीप्लीकेशन है इसका dx। फर्स्ट फॉर्म में बताएं कि ये वाला याद करो, ए एक्स प्लस बी रहेगा तो देखो 1/a हो जाता है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो क्या है, log a है, तो 1/a क्या हो जाएगा, log a और फिर से e टू द पावर x इंटू log a अब प्लस c, अब फिर से इसको रिड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर x हो जाएगा, तो आ गया a टू द पावर x log a। चलो ये तो बता दिए, उसके बाद इंटीग्रेशन a टू द पावर px प्लस q dx, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करोगे तो करोगे क्या, px प्लस q को क्या करना है, px प्लस q इज इक्वल टू t, राइट। तो अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, p प्लस 0 इज इक्वल टू dt बाई dx, यहां से लिखोगे dx इज इक्वल टू dt बाई p, अब dt बाई p तो इसको फिर से रीराइट करो तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर t dt बाई p इज इक्वल टू 1/p इंटीग्रेशन a टू द पावर t dt, अब इसका क्या हो जाएगा 1/p a टू द पावर t, ठीक है, log a प्लस c, तो क्या हो जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा, 1/p रिसब्स्टिट्यूट कर दो तो a टू द पावर क्या हो जाएगा, px प्लस q डिवाइडेड बाय log a प्लस c, समझ में आया या नहीं, हेलो, यस सर आया, ओके। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हूँ, फोर नंबर, चलो फिफ्थ नंबर में, फिफ्थ नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, किसको डिफरेंशिएट करते थे तो साइन एक्स मिलता था सर, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे लिखोगे साइन ए एक्स प्लस बी, जो बता रहे हैं उसी का एग्जैक्टली होगा या रिड्यूस कर पाओगे तब, ये माइंड में रखना, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होगा तो डायरेक्टली नहीं लिख देना है, जो अभी बताऊंगा वो डी एक्स, इसका जो लिखोगे तो क्या होगा, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए है, तो ए से डिवाइड कर दो प्लस सी। ऐसा नहीं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स रहा तो फट से माइनस कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए कर दोगे, ऐसा नहीं है, वो फॉर्मूला ही नहीं बता रहा हूँ, तो वो नहीं लिखना है, समझ में आ रही है बात, सर ये आप बताए थे, हाँ ये सब बता दिया हूँ पूरा सर, साइन एक्स वाला और ई टू द पावर एक्स वाला बताए थे, ओके ओके। यहाँ पे कॉस एक्स किसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस एक्स मिलता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी रहेगा डी एक्स, दिस इज इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी बाय ए प्लस सी, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी, ओके। सेवन नंबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, tan x plus c, इसी में रहेगा इसके पैरेलली sec स्क्वायर ax plus b, तो क्या लिखोगे, tan ax plus b by a plus b by a plus c, ओके। अब देखो जस्ट उल्टा में फॉर्मूला याद करना है कि sec x into tan x किसको डिफरेंशिएट करते थे तो आता था,
sec x sec x को, तो sec x into tan x, अब उल्टा कर देना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन के बारे में सोचना है और उल्टा कर देना है। तो इसका sec x sec x प्लस सी, गुड, अब इसी में रहेगा उसके फॉर्म में, तो हो जाएगा ना, बन जाएगा ना, sec ax प्लस बी b इंटू टैन ax प्लस बी dx दिस इज इक्वल टू sec ax प्लस बी बाई ए बाय ए प्लस प्लस सी। सी देन sec x को डिफरेंशिएट करते थे, sec x इंटू टेन एक्स मिलता था, टेन एक्स को डिफरेंशिएट करते थे, sec स्क्वायर एक्स मिलता था। चलो वो कर दिए। अब इसके बाद cot x को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स ओके, तो cosec स्क्वायर एक्स लिखेंगे dx, तो माइनस ये हो कॉट जाएगा एक्स माइनस माइनस cot कॉट एक्स x। प्लस सी याद हो जाएगा फॉर्मूला ना, डिफरेंशिएशन याद रहेगा तो ये वाले तो हो जाएगा आप कंप्लीट 10 नंबर में। फिर अगर cosec x को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था? माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस कॉट एक्स एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, अगर ये करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी कोसेक एक्स प्लस सी। समझ में आ गया ना? अब इसका ये पहला ली लिख लोगे, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो अब ये बताओ कि साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था? 1 बाय रूट रूट ओवर ओवर वन माइनस वन वन माइनस माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो इसका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स इनवर्स प्लस एक्स प्लस सी सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब यस इसी के पैरेलल ही अगर रहा कि अगर इसको ब्रेक किए 1 बाई अंडर रूट, देखो एक्स रहे या लीनियर के फॉर्म में रहे, 1 माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, डी एक्स इंटीग्रेशन में, तो क्या लिखोगे? साइन इनवर्स इनवर्स एक्स बाय ए एक्स प्लस एक्स बी प्लस बी बाई बाय ए ए आप प्लस सी आ प्लस जाएगा, सी ठीक है, उस तरह के फॉर्म में भी, तो कोई दिक्कत नहीं ना? आ रही बात समझ में? हाँ ओके, यस सर यहाँ देखो 12 का इंटीग्रेशन। अब देखो साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स को माइनस रहता है, यहाँ पे माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये कॉस इनवर्स एक्स में चला जाएगा। चलो वो रहने दो, ठीक है, ये वो भी बता देता हूँ, अगर माइनस यहाँ पे रहता है, या सिंपली इसको ये भी लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू, इसी में जस्ट एक्सटेंशन कर देता हूँ एक स्टेप, इसको लिख सकते हो, ये ध्यान रखना, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो। अब 12 में अब बताओ सेक इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था? 1 बाय मॉड एक्स रूट ओवर एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस वन वन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा? सेक इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, राइट। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ टाइन एक्स, टाइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टैन वन प्लस इनवर्स एक्स प्लस सी सी टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। आई बात समझ में? चलो सपोज किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, यहाँ तक फॉर्मूला बस इतना ही अभी रखो। अब देखो और इसके बाद भी बताऊंगा, सपोज चलो 14 नंबर लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ अगर कॉट कॉट एक्स रहा, ये भी याद रखना, कॉट एक्स डी एक्स रहा, इसको क्या करना कि यूज करना है कॉस एक्स वाई साइन एक्स डी एक्स, याद रखना है, प्रोसेस देख लो, सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूं, सर समझना, समझ में आ रहा है तो ठीक है। हाँ
बोलो। इंटीग्रेशन बाय बाय पार्ट्स क्या होता है? हाँ वो आगे आता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में। अगर डी सिमेट्रिक फंक्शन रहेंगे, डी सिमेट्रिक टाइप का, इवन सेम एलजेब्रिक एलजेब्रिक में भी यूज कर सकते हो, बट डी सिमेट्रिक जनरली यूज किया जाता है। डी सिमेट्रिक टाइप के जब दो फंक्शन रहेंगे तो उसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज किया जाता है। वो फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, अभी बस थोड़ा कूल रहो। अब देखो कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन इसमें क्या किया जाता है, ओके अभी फॉर्मूला नहीं है, बाद में प्रूफ करके बताऊंगा डायरेक्टली फॉर्मूला, अभी याद रख नहीं तो फिर इसका जो वैल्यू होगा वो लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन टाइन एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस सेक एक्स प्लस सी। ये याद रखना, इसका बताऊंगा सर, बता दीजिए ना इसका प्रूफ। ओके अब देखो इसका प्रूफ बता दूंगा, कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं उसके बाद प्रूफ बताऊंगा, ठीक है? ये अभी याद रखो फिलहाल के लिए। 15 सबसे पूछूंगा, 15 फॉर्मूला बताया हूँ वो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, इसी को हेल्प से क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस को रिड्यूस करना है। हेलो, तो क्या करना है, इसी 15 फॉर्मूले से रिड्यूस करके क्वेश्चंस को बनाना है। अब चलो एक प्रॉब्लम देता हूँ कि सपोज एग्जांपल 1/2 a² प्लस x² यहाँ पे क्या है dx। ट्राई करो तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ट्राई करो बनाने का 2 a² प्लस x²। अब देखो रिकॉल अगर कर पा रहे हो तो ये फॉर्मूला एक देखे हो कि 1 प्लस अगर x² है dx तो इसका क्या होता है tan इनवर्स x होता है, राइट? अब यहाँ पे ध्यान दो 1 होना चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना कि अगर k इंटू k कांस्टेंट है fx dx है तो ये ऑलवेज k बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट रहेगा तो fx dx, राइट? इस तरह के तो कांस्टेंट हमेशा क्या होता है प्रॉपर्टीज में बाहर आ जाएगा। अब देखो 1 लाना है फर्स्ट पोजीशन पे तो क्या करोगे इसमें कि यहाँ 2 a² को बाहर ले लोगे, तो 1/2 a² बाहर ले लिए तो 1 प्लस x/2 का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब 2 a² को बाहर लोगे तो 1/2 क्या हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x/2 का होल स्क्वायर dx, राइट? अब देखो इसका इंटीग्रेशन x/2 है तो क्या करोगे बताएं, 1/4 रहेगा टैन इनवर्स क्या लिखोगे x/2, ठीक है जो यहाँ पे रहेगा। अब क्या करोगे कि कोफिशियंट ऑफ क्या है, कोफिशियंट ऑफ x है 1/2, कोफिशियंट ऑफ x देखोगे इसके लिए तो क्या है 1/2, तो 1/2 यहाँ पे डिवाइड प्लस c, तो फाइनली जो आएगा वो क्या आएगा 1/2 tan इनवर्स x/2। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी को कौन है जिसको समझ में आया? सर मेरे को आ गया, मुझे आ गया। हिमांगी चली गई? नहीं सर, कहाँ जाएंगे? अच्छा कंट्रोल में है ना माइंड, समझ में आ रहा है? हो गया, उसकी वजह से एफिशिएंसी तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन समझ गए सर ये वाला। कोई नहीं, बहुत मतलब ये 12th में पढ़ना है, बेसिकली 11th का भी पार्ट नहीं है ये समझ लो, ये पार्ट है जो 12th में पढ़ना है। 12th के बच्चों को दिक्कत हो जाता है, वो तो 9th में हो तो है, ये नहीं सोचना है कि समझ में नहीं आ रहा है चीजें, सेम काम जो कर रहा हूँ एक से दो बार जाकर के देखना, इंटीग्रेशन है ये सब चीजें आना चाहिए, बेसिक चीजें थोड़ा सा बेसिक से आगे लेकर के चला गया हूं। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर वो tan इनवर्स x/2 के नीचे 1/2 क्यों आया डिवाइड करने के लिए, वो क्लियर नहीं हुआ।
वो क्लियर नहीं हुआ, अरे बदमाश, तो इसको देखो, चलो नेक्स्ट स्टेप में ये करता हूँ। सपोज अगर ऐसे रहता, 1/1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पे लिखते क्या, लिखते टाइन इनवर्स ए एक्स डिवाइडेड बाई ए लिखते प्लस सी, नहीं चलो यस सर लिखते ना, तो वहां पे क्या है एक्स बाई टू है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स, तो कोफिशिएंट ए इज इक्वल टू क्या है 1/2 है ना, नहीं यस सर क्लियर हो गया, फिर क्लियर हो गया ना, और नहीं तो देखो अगर यहाँ पे जो लिखे हैं उसको फिर से बताता हूँ, ट्राई करना समझने का कि ये तो 1/4 होगा, 1/1 प्लस एक्स बाई टू का क्लास में, हाँ ये वीडियो टाइप चल रहा है, यहाँ लिखता हूँ डिस्प्ले होता है, एक मिनट थोड़ा बीच में, हाँ क्या बता रहे थे, चलो xy2 है, xy2 का होल स्क्वायर dx यही आया था, ठीक है। अब क्या करोगे कि यहाँ पे xy2 इज इक्वल टू t अज्यूम कर लो, अब डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू dt/dx, तो यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2dt, राइट, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/4 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2dt, यहाँ से अगर लिखेंगे देखो क्या होगा, 2 बाहर आएगा 2/4 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt, दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइन इनवर्स टी प्लस सी, अब टी का वैल्यू क्या करोगे xy2 है तो 1/2 tan इनवर्स, देखो xy2 प्लस c, समझ में आया या नहीं, यस सर क्लियर है ना, कैसे बनेगा जो, यस सर क्लियर है, अभी क्लियर है ना, बोलो किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकते हो, बोलो बोलो बोलो, सबको समझ में आ गया, चलो अब बताओ ये प्रॉब्लम बताना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अब क्या करना है इसको रिड्यूस करना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में,
बाकी देखो ट्राई करो कैसे बनेगा। ऐसे फॉर्मूला डायरेक्टली हो जाता है, जब भी रहेगा 1/a² + x² dx, जब आएगा तो क्या लिखोगे 1/a tan−1x। बाकी फॉर्मूला तो अभी बताए थे, उस तरह से भी कर सकते हो, बट ये बाद में फॉर्मूला बताऊंगा, ये सब भी आता है उसमें डायरेक्टली। बट ये नहीं भी बताया हूँ तो बना सकते हो अभी के लिए। बोलो बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 + 2x + x² ट्राई करो, बना। एक मिनट, शायद बनेगा, शायद नहीं, बनना ही चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब कोई पढ़ लिया हो, यस और नो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया हो सब कोई? यस और नो बोलता ही नहीं है। मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर पढ़े हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में? यस सर पढ़े हैं। हाँ तो बन जाना चाहिए, ट्राई करो। चलो बता देता हूँ, ओके। क्या करोगे, 3 + 2x + क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब इसको लिखेंगे x² + 2x + 3। फर्स्ट में क्या किया जाता है, प्रोसेस होगा कि ये देख लेना एक बार, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर ax² + bx + c को, इसको क्या करेंगे, a से डिवाइड किया जाता है। हाँ, a को कॉमन ले लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 ऑलवेज रखना, तो इजी हो जाता है। यहाँ पे आ जाएगा b/a x + c/a, c को बाहर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे जगह पे c को बाहर रख के बता देता है, लेकिन a को कोफिशिएंट ऑफ x क्या करना है, 1 बनाना है। मेक कोफिशिएंट ऑफ x² = 1, 1 बनाने के लिए एक ही ऑप्शन है, कॉमन लेना है। डिवाइड यहाँ पे कैसे करोगे, क्योंकि एक ही है ना, तो दोनों तरफ रहता तब तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड तो कर नहीं सकते हो। अब क्या करना है कि a हो गया, ये x² हो गया प्लस 2 × b/a × x, तो ये देखो a² ये 2 हो गया, ये कैपिटल b मान लो, इसको कैपिटल a मानो, कैपिटल a का स्क्वायर है, तो प्लस क्या होना चाहिए, b/a का होल स्क्वायर होना चाहिए। और मैनिपुलेशन कर रहे हैं, b/a का होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस c/a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, a और ये कंप्लीट यहाँ तक जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो बीच में माइनस देंगे, x + b/a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस c/a − b/a का होल स्क्वायर। अब क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दिए, समझ में आया ना। अब ये को बाहर, a × x + b/a का होल स्क्वायर प्लस c/a − b/a, मीन्स इसको सॉल्व भी कर सकते हो, एक साथ कांस्टेंट ये हो गया, ये x के फॉर्म में लीनियर हो गया, लीनियर रहेगा तभी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग के जो दिया हुआ था उसमें x² + 2x + क्या था, 3। अब इसको x² कोफिशिएंट ऑफ x² ऑलरेडी क्या है, 1 के इक्वल है, तो प्लस 2 दिया हुआ है, 2 × x × 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, 3। अब ये वाले कंप्लीट हो गए हैं, x + 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2। अब हो गया, अब उस वाले को लिख सकते हैं 1/2 +
एक्स प्लस टू का फुल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं वन बाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना तो रूट टू लिख लेंगे। हाँ तो x प्लस वन का होल स्क्वायर है ना। हाँ सॉरी, x प्लस वन का। थैंक यू। x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो अब a स्क्वायर रिड्यूस करना है किसमें, वन बाई ए स्क्वायर प्लस, या टू से डिवाइड भी कर सकते हो x स्क्वायर के फॉर्म में dx। तो उसके फॉर्म में रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, रूट टू का होल स्क्वायर x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा dx, दिस इज इक्वल टू वन बाई रूट टू हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वन बाई रूट टू प्लस सी। देखो अगर उस तरह से बनाना चाहोगे तो रूट टू को बाहर ले लो, तो रूट टू को बाहर लोगे तो वन बाई टू आ जाएगा। इंटीग्रेशन वन बाई वन बनाना है यहाँ पे, वन प्लस एक्स प्लस वन बाई रूट टू का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स जो है अंदर में क्या हो जाएगा वन बाई रूट टू होगा, तो उसी से डिवाइड करेंगे भी, तो वन बाई टू तो बाहर रहेगा टाइन इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई रूट टू। कैसे भी बना सकते हो प्लस सी, और ये बात समझ में जो बताए उस मेथड से भी बना सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला आगे बता दूंगा ये वाला डायरेक्टली समझा करके। समझ में आया? बहुत अच्छा से। अच्छा से आ गया, आ गया ना समझ में, चेंजेस करना बोलो यस और नो, तुम लोग कुछ बोलता ही नहीं है जी। यस सर, स्टार्टिंग में केवल जो दिया हुआ उसको मैनिपुलेट करना रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाँ हमेशा बोला हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर पाओगे तो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इंटीग्रेशन थक जाओगे बट सॉल्व नहीं कर पाओगे। सर एग्जाम में ऐसा हम लोग को आता है करने के लिए कि कोई क्वेश्चन दे दिया है उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है और हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म डिड्यूस करने में लग जाते हैं? नहीं नहीं, वो दिख जाएगा स्टैंडर्ड, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन से बनाए हुए रहोगे तो क्वेश्चन बनेंगे, अगर इंटीग्रेशन उस टाइप का बनाया हुआ नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत लोगों के लिए नहीं भी बनेगा। इवन न्यू क्वेश्चन आएंगे चेंजेस कर देगा, अगर उस टाइप का बना हुआ है प्रैक्टिस है तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इंटीग्रेशन में ऐसा होता है, 95% चांसेस रहेगा कि नहीं बनेगा। बोलो यहाँ तक। अच्छा चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एक प्रॉब्लम देता हूँ, ट्राई करो इसको बनाने का। अगर देखो समटाइम्स क्या होगा कि इस टाइप के रहेगा, चलो वन बाई अंडर रूट ए एक्स प्लस बी माइनस अंडर रूट पी एक्स प्लस क्यू इंटीग्रेशन डी एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, यूज रेशनलाइजेशन, आई बात समझ में, एक ट्राई करके बताओ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वन बाई रूट टू एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स डी एक्स, ट्राई करो तो बनेगा तो ठीक है, ट्राई करो एटलीस्ट। नहीं नहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, रुक जाओ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ ए एक्स ही रखो, नहीं तो टफ हो जाएगा अभी के लिए, इतना ही बनाओ ट्राई करना।
बोलो। हेलो, बन गया सर। बन इजी है गया ना? सर। हाँ इजी है ना। रेशनलाइजेशन हाँ यूज करेंगे तो क्या होगा? पहले वन साइड में वर्क कर लेते हैं, रफ वर्क। देखो वन बाई रूट टू एक्स प्लस थ्री माइनस टू एक्स। अब रेशनलाइजेशन करेंगे, रूट टू एक्स प्लस थ्री डिवाइड प्लस रूट टू एक्स, टू एक्स प्लस थ्री प्लस रूट टू एक्स, ये अलग अलग है। तो वैल्यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा? टू एक्स प्लस थ्री प्लस रूट टू एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन है वन बाई थ्री रूट टू एक्स प्लस थ्री माइनस रूट टू एक्स और ये डी एक्स। प्लस सर। ओके सॉरी प्लस। और ये ध्यान रखना, इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू क्या होगा? नोट में लिखवा दे रहा हूँ, ऑलवेज प्लस माइनस में रहेगा तभी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है। क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। यहां भी लिख देता हूँ, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, जी एक्स डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? अलग अलग कर सकते हैं, ओनली प्लस माइनस के केस में, मल्टीप्लीकेशन में अलग मत कर देना, डिवीजन में अलग मत कर देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वन बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस थ्री टू द पावर वन बाई टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स टू द पावर वन बाई टू डी एक्स। अब बताए थे फॉर्मूला, तो वन बाई थ्री तो ये तो पूरे में है, तो वन बाई थ्री रहेगा। अब फर्स्ट में एक्स प्लस बी के फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे? टू एक्स प्लस थ्री टू द पावर वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई, देखो वन बाई टू से डिवाइड भी होगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स है, देन वन बाई टू प्लस वन होगा, प्लस यहाँ देखो वन बाई टू है, कोफिशियंट ऑफ एक्स टू है, तो वन बाई टू लिख दिए पहले ही, देन टू एक्स टू द पावर वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई वन बाई टू प्लस वन प्लस सी। समझ में आया? यस और नो? सबका आया था ये आंसर? यस सर, मेरा आया था। देन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में सर, बताऊं? हाँ सर, अगर डिनोमिनेटर में भी एक्स होता तो? इसीलिए वो नहीं बताए, बाद में बताऊंगा, बन थोड़ा जाएगा। अलग प्रोसेस है क्या? हाँ उसके लिए थोड़ा अलग है। जैसे देखो एक और एग्जांपल इस तरह के रहेगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो उसमें बेसिक मैनिपुलेशन यूज किया जाता है, मींस इसी फॉर्म में रिड्यूस करना है। देखो अगर सपोज समटाइम्स तुम्हारे पास प्रॉब्लम कुछ इस तरह से रहेगा, एक्स प्लस टू स्क्वायर रूट में और यहाँ पे एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी बना सकते हो, बट यहां से बनाना है तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो एक्स प्लस टू रहेगा तो क्या करना है कि बेसिक मैनिपुलेशन, एक्स को क्या लिख सकते हो? एक्स जो यहां पे लिखा हुआ है एक्स प्लस टू है, तो एक्स प्लस टू उसी के फॉर्म में माइनस टू लिख सकते हो, यस सर, इनसाइड दिया हुआ है उसी के फॉर्म में, तो एक्स प्लस टू माइनस टू रूट एक्स प्लस टू दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस टू टू द पावर क्या हो जाएगा? थ्री बाई टू माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू टू द पावर वन बाई टू। अब बन जाएगा, बन जाएगा, यस सर, बन जाएगा ना? ठीक है। अब ये उसी तरह से
अगर x प्लस टू, ठीक है, यहां पे डिवाइडेड बाई, अगर x के फॉर्म में आ जाता है dx, तो कैसे बनाते है? तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसका वाला डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है, ये किया जाएगा, डिस्कस करूंगा, कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल होता है बट डिस्कस करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे यहाँ पे, तो अभी रहने दो फॉर नाउ, ये डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, बस इतना ही याद कर लेना पूरा, नेक्स्ट क्लास में ये बेसिक मैनिपुलेशन, इस सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा और इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट्स भी थोड़ा बता दूंगा, आइडिया दे दूंगा उसका। सर, हाँ सर, 11th वाले कोई हायर स्टैंडर्ड के बुक में ऐसा मिलेगा क्वेश्चंस? आदि शर्मा है? हाँ है सर, पापा के पास तो सारा 11, 12 का, उसमें मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा, बुक देखना उसके बाद बना करके देखना, कितना आगे तक बता दिया हूँ वो समझ में आएगा, ठीक है, अभी बहुत कुछ बताना भी है। हाँ सर, अभी तक जितना आप बताए हैं वो सर 11th मतलब कैलकुलस का कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करता है? डिफरेंशिएशन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस उसका मान के चलो कि 10-15% नहीं बताया हूँ डिफरेंशिएशन में, 10% मान के चलो बस, इंटीग्रेशन में कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट अभी तक जो बताया हूँ वो जस्ट बेसिक ही बताया हूँ, 10% मान के चलो अभी इंटीग्रेशन में, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस डायरेक्टली कम ही पूछा जाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं, इसी का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आते हैं, मींस एप्लीकेशन ऑफ, जगह सुने डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है उसका, मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा, उसमें क्या करना है इंटीग्रेटिंग करना पड़ता है, इक्वेशंस दिए हुए रहेंगे और रिवर्स में चलना पड़ता है, डिफरेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तो वो बताया, उसमें मैक्सिमम मिनिमम मोनोटोनिसिटी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड किया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें बोलेगा कि मैक्सिमम रिलेशन फाइंड किया जाता है, मैक्सिमम एरिया के लिए कुछ कंडीशंस फाइंड करना पड़ेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए कंडीशन फाइंड करना पड़ेगा, मैक्सिमम सरफेस एरिया के लिए कुछ कंडीशंस फाइंड करना पड़ता है, वो सब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आ जाता है, तो वो सब अभी तो कवर नहीं किए हैं, डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, और एरिया जो फाइंड करते हैं उसका यूज किया जाता है इंटीग्रेशन का, एरिया को फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, उसी को बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है, तो वो सब अभी नहीं बताया हूँ, ये सब बेसिक पढ़ लोगे तभी तो वो सीखोगे। सर, हम सुने हैं कि बोला जाता है कि कैलकुलस की नस पकड़नी है तो स्टार्ट करना है फंक्शन से, फंक्शन से बेसिक है, सर ये बात कहाँ तक सच है? फंक्शन से क्वेश्चंस तो पूछे जाते ही हैं, फंक्शन अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक चीज हो गया वो, तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट, मतलब उसका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है मोर एंड लेस, तो पहले फंक्शन कंप्लीट कर लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं, जैसे इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ लगा तुमको कि समझ में नहीं आया, फंक्शन का कुछ आइडिया तो नहीं है, हाँ तो अब आप सोच सकते हो कहाँ तक सच है, फंक्शन का यूज आता है नो डाउट, हमेशा यूज होगा, बट ऐसा नहीं है कि हाँ इंटीग्रेशन में तुमको दिखेगा भी नहीं उतना, तुमको डिफरेंशिएशन में कहीं दिखा था नहीं ना, लॉग वाला क्या ये डिफरेंशिएट कर रहे थे वेरिएबल की पावर वेरिएबल, अरे वो हाँ नहीं वहां भी कहां दिखा था तुमको फंक्शन, सर लॉग फंक्शन में यूज किया ना, वो समटाइम्स देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे तो वहां पे डिफिनेशन आ जाएगा, उसका यूज करना पड़ेगा कि कब डिफाइंड होते हैं कि नहीं, तो वो फंक्शन का पार्ट है, डोमेन से रिलेट कर दिया जाता है,
लिमिट पढ़ोगे वहां पे कॉन्सेप्ट यूज कर दिया जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुमको पीरियोडिक फंक्शन का यूज कर दिया जाएगा, तो कहीं कहीं यूज किया जाता है, नो डाउट। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में तुमको फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देन इवन डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुमको आ जाएगा इनवर्स फंक्शन का वहां पे कॉन्सेप्ट, ठीक है, बट उतना भी नहीं समझ ही नहीं आएगा तुमको, फंक्शन नहीं आता है तो। बोलो और, हाँ बोलो सर, स्टार्टिंग में जो पूछे थे वो बता दीजिए, अब टाइम किल नहीं होगा। ओके चलो, किसी को